गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए आ गई हैं नेहा। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग को गुड मॉर्निंग। नेहा सिंह ब्लॉग में आप सभी लोग का वेलकम है। जुड़ जाइए जल्दी जल्दी से। और हम लोग का वीडियो कैसा लगता है तो भाई, आप लोग को लगता होगा कि नेहा जाती कब है कि आ जाती है, क्योंकि मैं ब्लॉग तो लगातार डालते रहती हूँ, तो आप लोग को लग रहा है कि नेहा यहीं रहती है। नहीं, आती है जाती है, आती है जाती है, क्योंकि एक मेरा ये हॉस्टल है। जब भी मेरे घर पे काम रहता है मैं चली जाती और फिर वापस हॉस्टल में आ जाती हूँ। हॉस्टल में आ जाती हैं। हाँ, तो यहाँ से नेहा का लगातार मतलब इनका काम हो रहा है, और आज फिर इनके गाने का रिकॉर्डिंग है, कल शूटिंग है, तो फिर यहाँ पर आई हुई हैं 2-3 दिन के लिए। और इस बीच में मैं अपना जब तक घर पे रहती हैं तब तक मैं अपना ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, कुछ मैं नहीं कर पाती हूँ तो ये भी कर देती हैं। आज मेरा आवाज़ थोड़ा सा वो हो गया है, सर्दी बुखार हो गया, जुकाम हो गया, सर्दी जुखाम। लेकिन तुम्हारा आवाज़ तो ठीक ना रही तो फिर गायब ना, मेहनत को भी गायब गा दे। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनती लड़की है, मानना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आज तक हम इतना मेहनत करते हुए किसी को देखे नहीं हैं, और यही कारण है कि नेहा लगातार मतलब सफल हो रही हैं। बहुत मतलब इनका गाना अच्छा खासा मतलब चल रहा है। अभी जो गाना आया है, अभी आया ससुरा से भाग। हाँ, थोड़ा सा गुण तुहरा बोदे मिटाई दे सिंदूरा सुहाग के कहब तो चली आईब हम ससुरा से भाग के। अरे रोई बात तो चली आईब हम ससुरा से भाग के। बहुत खूबसूरत गाना है। अगर आप लोग अभी तक नहीं सुने हैं तो जा करके नेहा सिंह पगली ऑफिशियल पर जा करके सुन सकते हैं ना, आकांक्षा म्यूजिक पर भी बसा है। नहीं, ये नेहा सिंह पगली ऑफिशियल पर सुना है, और सृष्टि म्यूजिक पर भी मेरा सॉन्ग है, आकांक्षा म्यूजिक मेन चैनल पर भी है और आकांक्षा म्यूजिक पर भी है, बहुत सारा चैनल पर। भैया छोड़ दे रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं चलता, जब आता है लिंक तो मुझे पता चलता है। नेहा सिंह पगली प्रॉपर मतलब उस पर चैनल पर मैंने हमेशा वीडियो आता रहेगा, मेरा गाना आता रहेगा और आकांक्षा म्यूजिक पर भी आएगा। तो आप लोग जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे नेहा सिंह पगली ऑफिशियल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे भी वो चैनल मोनेटाइज हो गया, भैया बता रहे थे, और आप सब प्यार दुलार सपोर्ट करिएगा तो हमारा चेहरा चमके लगी। तार चेहरा पहले से भी चमकल बा, और माता रानी करिए तो अब ज़्यादा इनकर जौन मतलब सपना देखले रही शुरू से नो गाना गावे के, तौन सपना यहाँ आ करके इनकर पूरा हो गई बा। तो एक खातिर नेहा के बहुत अंदर से ज़्यादा खुशी हुई है, और पता बा काहे कि बचपन से ये सपना देखले बड़ी गाव ही खातिर, और गावे के चक्कर में वीडियो करे लगली। हाँ, आप सबको पता ही होगा कि मैं कॉमेडी वीडियो में अक्सर गाना गाती रहती हूँ, कोई कोई बात पर अच्छा लगता है मेरे को गाने में। इसीलिए कल एक आदमी बोल रहा था कि मतलब ये बोल रहे थे कि बोले हैं कि फिर आ रही है नेहा, तो बोले हैं कि उसको गाने में बहुत मजा आ रहा है, इसका मतलब बहुत मजा जब किस जब कोई के एम पूरा होखेला ना, जब कोई के मतलब बचपन के इच्छा जो सपना जो होखेला पूरा होला, तो ओकर मतलब खुशी के मारे ओकर मतलब ना मेहनत में और चार चांद लग जाला। और लेकिन हमके उड़े के नहीं के, हमके बहुत धीरे धीरे चले के बा, और हमके बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप सब सपोर्ट करेंगे, आप सब जोड़ लगाएगा तो हम और 50% जोड़ लगाएंगे, आ तुम लोग जब मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही बाबा, होगा धमाका होगा एकदम हुई। और प्लीज़ ऐसे ही हमारे ब्लॉग को भी ध्यान देते रहिए, हमारा ब्लॉग हो गया है और भाभी जी का ब्लॉग नहीं रहा ये। बस इनका नाम से बस मेरा है, आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए। जब से नेहा आई है तब से मेरे चैनल पर नेहा का ही ब्लॉग जा रहा है बस। हाँ, तो मेरे ब्लॉग को आप सब प्लीज सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे चल के अगर मेरा भी ब्लॉग चैनल खुले मेरे नाम से तो आप सब देखेंगे कि कितना प्यार दे रहे हैं। लेकिन मैं अभी नहीं जल जाल में पढ़ना चाहती, क्योंकि मुझे मेहनत करना है। अगर इधर भी बक बक आऊँगी, उधर कॉमेडी करूँगी और उधर सिंगिंग करूँगी तो मैं बढ़ जाऊँगी। अभी मेरा फोकस है कि एक तो मेरा स्तर हो गया है कॉमेडी, लेकिन जो मेरा वहाँ से उत्थान हो रहा है वो है मेरा ड्रीम, तो इसीलिए मैं दोनों पर एक जमीन पर तो होना चाहिए ना, तो इसीलिए मैं कॉमेडी करना छोड़ूंगी तो नहीं, हाँ थोड़ा कम कर दूंगी, लेकिन मेरा सिंगिंग है उसको तो मैं चाह कुछ भी करके पूरा करके ना, थोड़ा सा मतलब जैसे कि ब्लॉग कहते नहीं, वीडियो वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा बोलल चालल चिल्लाए फेंकल रहेला, तो वो मतलब गला खातिर थोड़ा सा ओकरा के मतलब
कंट्रोल करे के पड़ी थोड़ा सा। जो भी डायरेक्टर है बोलिए देते हैं कि नहीं थोड़ा सा बुलंदी आवाज में बोलिए, चिल्लाइए, अब क्या करें, काम तो करना पड़ता है। तेज आवाज में नहीं बोलिएगा तो डायरेक्टर बोलेगा कि तेज आवाज में बोलिए, और गला को भी रेस्ट देना जरूरी है, नहीं तो गला खराब रहेगा तो फिर गाना नहीं। इसीलिए हम देखिए गर्म पानी पी रहे हैं, कल कमेडी करके चिल्लाए हैं, और सफर में हमको सर्दी जुकाम हो गया खांसी, इसलिए देखिए गर्म पानी पी रहे हैं। अभी थोड़ा सा मौसम भी चेंज होता, काढ़ा पी लिया तुलसी जी की, काढ़ा भाभी बना दे, काढ़ा पीते समय हम आएंगे। और अभी अभी हम तो जा रहे हैं नहाने के लिए, अभी हम क्योंकि सुबह का 6:30 हो गया है। आज थोड़ा सा सब लोग लेट से उठा है क्योंकि बच्चों के स्कूल का छुट्टी है, एग्जाम चल रहा है ना, तो एक दिन स्कूल हो रहा है, एक दिन छुट्टी रह रहा है। हमारा भी एग्जाम 29 तारीख को है। हाँ 29 को है हमारा एग्जाम साइकोलॉजी का, थ्योरी खाली पर। तो नेहा काम के साथ साथ में पढ़बो कर ली, पीसी कॉलेज में ही है 29 तारीख को, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लड़कों का भीड़ लग जाता है, लड़के सबको तेरे पगली अगली हौसला बढ़ता है। इतना मैं मास्क लगा के, हाँ मैं मास्क लगा के ही एग्जाम देती हूँ। अच्छा ये सपना खातिर तो लोग लाइन में आवे लगा कि लोग हमके जाने, 10 गो आदमी हमरा के जाने, हम कहीं जाए तो लोग हमरा के पहचाने, फोटो खिंचवावे, एकरा से बहुत खुश होके के चाहिए, एकरा से मतलब दुखी ना हो। हम तो बहुत खुश रहेंगे कि हम के लोग पहचानत आवे, मास्क में भी लोग हमारे आंखों से, और यहाँ पर जो मेरा चेहरा का यहाँ से कट है इसे पहचान लेती है, मेरी वॉइस ही काफी है पहचानने के लिए अब तो। तो चलिए हंसत रही लो, मुस्कुरात रही लो, और सुबह सुबह के ब्लॉग रहला, आ ज़्यादा लंबा कैला से कोनो मतलब नहीं है, छोटा छोटा ही ठीक रही, एक बाद फिर से ब्लॉग आई, ऐसे ही ब्लॉग से जुड़े रहिए। बाय।